आज हम बात करेंगे उस ऑल न्यू 2022 TVS Apache 310 के बारे में। करंटली इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,65,000 रुपीज़ एंड इसका ऑन रोड प्राइस रहेगा 3,04,000 रुपीज़। ये जो हम आपको व्यूज प्राइस बता रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डीलरशिप का, और इसका जो मैक्सिमम ऑन रोड प्राइस रहेगा ऑल अराउंड द इंडिया यूटीज़ में वो है 3,14,000 रुपीज़। अब बात की जाए इसकी की के बारे में, तो की कुछ इस तरह से देखने मिल जाती है, देख सकते हैं इसकी कीज, ये कुछ इस तरह से इसकी कीज देखने मिलती हैं। अब मैं बात करूँगी इसके फ्रंट से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको ड्यूल प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, साथ ही में डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं इसके डे टाइम रनिंग लाइट और इसके जो टर्न लाइट इंडिकेटर है यहाँ पे दिए गए हैं। फ्रंट से आप देखेंगे तो इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में, साथ में TVS का लोगो, बाई प्रोजेक्टर मिल जाते हैं इसमें आपको, ड्यूल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है, बाई LED प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी दी गई है इसके अंदर, जिसकी वजह से आपको रात में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है नज़दीक से लेके दूर की, और आपको ड्राइव करने में या राइड करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फ्रंट में विंडशील्ड दी गई है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका इंटरकूलर मिल जाता है, आप देख सकते हैं इंटरकूलर, और उसी के साथ में ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये है इसका, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को ठंडा रखने में मदद करता है, और उसी के पीछे दिया गया इसका रेडिएटर, लिक्विड कूलिंग के फंक्शन के साथ में आता है ये इंजन। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपको सस्पेंशन मिल जाता है वो है वन ऑफ द बेस्ट जैपनीज कंपनी जिसका नाम है कायावा कंपनी का, इसमें आपको सस्पेंशन देखने मिल जाएगा। ये कंपनी जो सस्पेंशन बिल्ड करती है मोटरसाइकिल्स के अलावा एयरक्राफ्ट्स के लिए भी सस्पेंशन बिल्ड करती है, मींस इसमें आपको एक रिलायबल और काफ़ी अच्छा स्मूथ राइडिंग कंफर्ट मिलेगा बाइक के अंदर, और काफ़ी ट्रस्टवर्दी कंपनी है ये जो कि एयरक्राफ्ट्स के लिए सस्पेंशन बनाती है, और साथ ही ऑटोमोबाइल्स कंपनी के लिए भी जापान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उस हाई टेक्नोलॉजी के सस्पेंशन को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी कम मोटरसाइकिल में आपको देखने मिलेगी, ये स्प्रिंग टाइप रिंग इसके रबर सीलिंग के ऊपर, और ये जो मैक्सिमम ट्रैवलिंग देता है वो है अराउंड 120 mm की। फ्रंट में 300 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी आपको, तो रेयर में जो है वो 240 mm की डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं। इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स के तौर पे ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, साथ ही में ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी एरोडायनेमिक्स को इम्प्रूव करता है। अब बात की जाए अभी इसके टायर साइज़ की, तो इसमें जो आपको टायर साइज़ मिलता है वो है 110/70R17 के, इसमें आपको मिचलिन के टायर्स देखने मिल जाएंगे, हाई स्पीड टायर्स दिए गए, जिसकी वजह से अगर आप चाहें तो हाई स्पीड में मीन्स 160 km/h की स्पीड तक आप इसे ईजिली राइड कर सकते हैं, काफ़ी सी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ये टायर्स, और 0 to 60 in 3 seconds में ये पकड़ लेती है मोटरसाइकिल। इसमें जो आपको चैसी मिलती है वो है स्टेनलेस फ्रेम चैसी मिल जाती है इसमें, साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो अपाचे के ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में, एंड यहाँ पे 310RR की बैजिंग दी गई है, ग्रे एंड ब्लैक टोन फिनिश के साथ में आती है ये मोटरसाइकिल, और यहाँ पर आप देखेंगे तो रेसिंग स्पेक, ये जो आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट जैसी है जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और लाइट वेट रखने में मदद मिलती है, और इंजन स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है बिना किसी परेशानी के, इंजन को इसके अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है, और काफ़ी इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसे भी लो रखने में मदद मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका सस्पेंशन है, इसे आप अगर एडजस्ट करना चाहें तो 10 स्टेप एडजस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम ट्रैवल ऑफर करेगा 110 mm की व्हील के लिए, साथ ही में यहाँ पे चेन की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इसी के पीछे आपको मिल जाएंगी टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं 32 PSI यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, 32 PSI फॉर फ्रंट एंड रेयर, साइड स्टैंड भी मिल जाता है इसमें, इसमें आपको स्लीपर प्लस मिल जाता है जिसकी वजह से अगर आप चाहें तो डाउन शिफ्टिंग काफ़ी ईजिली कर सकते हैं, और यहाँ पे दिए गए इसका इंजन ल्यूब ऑयल लेवल चेक करने के लिए पॉइंट, इसकी फर्स्ट सर्विस होगी 1000 km के बाद, उसके बाद इसमें आपको जो रेसिंग मोड्स है वो एक्टिवेट मिल जाएंगे, डीलरशिप एक 1000 km की सर्विसेज के बाद ही इसके जो रेसिंग मोड्स हैं उन्हें एक्टिवेट करती है, टोटल 4 रेसिंग मोड्स मिल जाते हैं। साथ ही में इसमें जो इंजन दिया गया वो है 312 cc का लिक्विड कूल्ड पेट्रोल इंजन और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो मिलेगा इसमें आपको वो बॉस का दिया है, वन ऑफ द बेस्ट रेसिंग मोटरसाइकिल्स के लिए डिज़ाइंड है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, 6-speed गेयरबॉक्स मिल जाता है, साथ ही वारंटी मिलती है 60,000 km एंड 5 years की इंजन के ऊपर। इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है वो है 34 BHP की एंड टोटल टॉर्क जनरेट करता है 25.8 Nm का।
मैक्सिमम माइलेज देगा व्हीकल आपको 35 किलोमीटर पर लीटर की। इसका व्हील बेस मिल जाता है 1365 mm का और साथ ही में सिटिंग हाइट है 810 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इस व्हीकल में 180 mm की एंड इस व्हीकल का जो टोटल कर वेट है वो है 174 किलोग्राम। तो इसमें जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी वो है 11 लीटर्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक के ऊपर काफ़ी अच्छे डिज़ाइन देखने मिल जाते हैं एंड अपाचे का होर्स साथ ही में RR 310 की बैजिंग दी गई है। तो व्यूअर्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये है अपाचे 310 RR के फ्यूज़ बॉक्स एंड बैटरी। यहाँ पे इसकी बैटरी दी गई है तो साथ में यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स एंड रिले मिल जाती है। और साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया गया है इसका टूल किट जिसके लिए यहाँ पे स्पेस, और अगर आप इसे पुल करेंगे तो आप इसकी इस सीट को ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। और इस सीट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये की पॉइंट दिए गए हैं और यहाँ पे इसलिए आप इसे रख सकते हैं टूल किट को। और यहाँ पे आपको हर एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्यूजेज एंड रिले मिल जाएगी। और बैटरी रेयर में आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दिए गए इसकी टेल लाइट्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। LED में टर्न लाइट, इंडिकेटर, नंबर प्लेट लाइट LED में दी गई है। रेयर में जो आपको टायर साइज़ मिलता है वो है 150/60R17 के हाई स्पीड टायर्स मिल जाते हैं रेयर में मिचलन के। रेयर में डिस्क ब्रेक्स दी गई है। साथ में अगर आप इसके व्हील को एडजस्ट करना चाहें, इसके मीन्स अगर आप इसके व्हील बेस को कम ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से इस नट को लूज़ करके आगे पीछे करके व्हील को ईजिली व्हील बेस एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश्ड फिनिश इसके साइलेंसर के ऊपर, हीट रिफ्लेक्टिव के ऊपर। यहाँ पे भी ग्रैबिंग पॉइंट यहाँ पे देखने मिल जाएगा RR 310 की बैजिंग। और रेयर डिस्क ब्रेक का ब्रेक फ्यूल लेवल चेक करना चाहें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल आप यहाँ पर ईजिली देख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप राइड कर रहे हैं मोटरसाइकिल को, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। इसमें आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक का फ्यूल लेवल चेक करने के लिए ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाती है। अब बात की जाए इसकी MID के, तो जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी MID देखने मिलती है। पहले बंद कर देते हैं, अब दोबारा से ऑन करें तो कुछ इस तरह से सिंस रेसिंग 1982 और कुछ इस तरह से ग्राफिक्स की इंफॉर्मेशन। फ्यूल लेवल हो तो उसकी वार्निंग, न्यूट्रल की लाइट, टर्न लाइट, इंडिकेटर्स की लाइट, हेडलाइट्स की लाइट देखने मिल जाएगी। और ये जो आप सेटअप देख पा रहे हैं ये एल्युमिनियम से डिज़ाइन किया गया है। साथ ही में यहाँ पे आपको देखने मिल जाए इसके MID के कंट्रोल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो चारों पार्किंग इंडिकेटर्स को एक्टिवेट करना चाहते हो आप यहाँ से इस बटन के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। दोनों तरफ के जो इंडिकेटर्स हैं एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर आप रात में कहीं पर साइड में खड़े हैं या तो फिर बारिश में मोटरसाइकिल को राइड करें तो उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। पास के लाइट्स के कंट्रोल्स यहाँ पर, साथ में हॉर्न एंड टर्न लाइट इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कंट्रोल्स MID के। तो जैसे हम इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से जाएंगे तो रेसिंग मोड्स देखने मिल जाते हैं। रेसिंग मोड अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक देखने मिल जाते हैं। ये चार रेल आपको राइडिंग मोड्स देखने मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आप देख पाएंगे कूलेंट टेम्परेचर, रेंज इन वन फुल टैंक, इंजन RPM, स्पीड न्यूट्रल में मोटरसाइकिल तो वो। साथ में यहाँ पे आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप 3 दिखाएगा, डे ट्रिप दिखाएगा, फिर इसी के नीचे व्हीकल की सर्विस इंटरवल, कितने किलोमीटर चला, कितने डेज़ के लिए चला वो हर एक चीज़, परफॉर्मेंस, माइलेज चेक करना चाहे तो वो। जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल व्हीकल शिप होके आया तो अभी जो इसकी मैं एवरेज मिल रही वो है 15 किलोमीटर्स की। तो इसी के नीचे आपको देखने मिल जाएगी एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर एंड यहाँ पे 61.69 सेकंड में ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है मोटरसाइकिल। टॉप स्पीड 148 किलोमीटर पर आवर, अभी से थोड़ा कंट्रोल करके रखा गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम लैप, ये चीज़ आप सेट कर पाएंगे। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाहें 1, 2, 3, और जैसे आप यहाँ पे व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाएगा मोटरसाइकिल की RC इंश्योरेंस, फिर साथ में व्हीकल का पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे सर्विस इंटरवल, इससे नीचे आप प्रेफरेंस में जाके कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, और अगर आप चाहें तो डिस्प्ले के ऊपर कॉलिंग ऑफ ऑन कर पाएंगे। मोबाइल पेयर कर रहे हैं तो उसके लिए ऑप्शन मिल जाती है न्यू मोबाइल फ़ोन पेयरिंग की। डिस्प्ले के ऊपर ब्राइटनेस कम ज़्यादा, डेट, टाइम, क्लॉक, हर एक चीज़। और नाइट मोड को एक्टिवेट करना चाहें तो आप मैनुअली भी डे में एक्टिवेट कर सकते हैं। नाइट मोड कुछ इस तरह से देखने में, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में ये डिज़ाइन। और अगर आप इसको ऑटो में रखेंगे तो कुछ इस तरह से, मीन्स दो आपको
वॉलपेपर्स बोल सकते हैं हम इसको, या फिर थीम बोल सकते हैं इसकी। MID के देखने मिलेगी TFT में। डेट आप ऑटो पे रख सकते हैं, क्लॉक को भी, ब्राइटनेस को भी, साथ ही में कस्टम वेस्ट हर एक चीज़, कूलेंट, टेम्परेचर, ओडोमीटर कस्टमाइज़ करना चाहें नहीं जिसकी TFT को तो आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। IMI, लैप टाइम, हर एक चीज़, कूलेंट, टेम्परेचर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप 3 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ये सेट करना चाहते हो यहाँ पे वेज में जाके आप इसके ओडोमीटर सेट कर पाएंगे, या तो फिर चाहें तो आप इसमें एवरेज भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहें तो इसके IMI लैप टाइम सेट कर सकते हैं, मीन्स कुछ भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। स्पीड अलर्ट की वार्निंग 160 किलोमीटर पर आर की, और इससे नीचे रखना चाहे 110 ये आप यहाँ पे रख सकते हैं, ऑफ़ करना चाहें तो वो। ये आपको कनेक्टिविटी फ़ीचर मिल जाते हैं, नेविगेशन का फ़ीचर मिल जाएगा इसमें आपको टर्न बाय टर्न, साथ ही में कॉल आ रही है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, साथ ही में मैसेज भी यहाँ पे शो करेगा क्या मैसेज लिख के आया है। इंजन आर्किंग लिमिटर की लाइट यहाँ पे देगी, ABS की लाइट यहाँ पे, इंजन चेक की लाइट यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ इस तरह से इसकी लाइट। लो फ्यूल लेवल की वार्निंग यहाँ पे लिखी हुई मिल जाती है, और साइड स्टैंड एक्टिवेटर, वो किल स्विच एक्टिवेटर तो उसकी, ओडोमीटर एवरेज स्पीड के दी, और साथ ही में यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइम लैप, फ्यूल रेंज, यहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल देखने मिल जाएगा। इंजन RPM यहाँ पे डिजिटल में दिया गया है। टाइम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मीन्स आपको हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि चाहिए एक इसकी डिस्प्ले के ऊपर वो मिल जाएगी। गियरिंग की ऑप्शन न्यूट्रल 1, 2, 3। अब बात की जाए इसके ORVs की, तो अगर आप चाहें तो इसके ORVs को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। विंग मिरर्स दिए गए इसमें। सो ये अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड स्टे।